दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार सभी लोगों को था, रॉक एपिसोड में हमें वह देखने को मिल गया, क्योंकि यहाँ पर हमें रियर रिप्ले और जे उसो का आमना सामना देखने को मिला, जिससे यह तो साफ हो गया कि अब द जजमेंट डे टीम का हाल बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि अब उनसे पंगा ले लिया है जे उसो ने। और जे उसो की हिस्ट्री तो आप सभी लोग जानते ही हैं, और ये बात द जजमेंट डे की सबसे टीम लीडर रिया रिप्ले भी अच्छी तरह से जानती है, और इसीलिए उन्होंने जेउसो के सामने कुछ भी नहीं कहा रॉक एपिसोड में, और वे एक तरह से जेउसो के साथ ही नजर आई। यानी कि ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिया रिप्ले भी डोमिनिक मिस्टीरियो को छोड़ने का मन बना चुकी हैं, क्योंकि अब उन्हें पोटेंशियल नजर आ रहा है जेउसो में, और वे चाहती हैं कि वे जेउसो के साथ ही रहें। और ऐसे में आने वाले समय में जेउसो द जजमेंट डे के सभी मेंबर्स के जो टाइटल होल्डर हैं उनको एक एक करके ध्वस्त करने वाले हैं, और इसके बाद में रिया रिप्ले भी जे उसो के साथ में आने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर यूँ कहें कि द जजमेंट डे की टीम का बुरा टाइम है वो अब से शुरू हो चुका है, और यहाँ से जे उसो और द जजमेंट डे के बीच काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रोके इस एपिसोड से तो अभी इस स्टोरी लाइन की शुरुआत हुई है, जहाँ पर पहली बार जे उसो और रिया रिप्ले है वो आमने सामने दिखे हैं। लेकिन अभी इनकी जोड़ी बनकर डोमिनिक मिस्टीरियो और द जजमेंट डे पर भारी पड़ने वाली है, और ऐसा ही कुछ हमें रो के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, जहाँ पर द जजमेंट डे को डिस्ट्रॉय करेंगे जेउसो और उनका साथ देंगी रिया रिप्ले, और यही बात रिया रिप्ले और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच की दरार का कारण बनेगी, और डोमिनिक मिस्टीरियो को भी छोड़ना चाहती है रिया रिप्ले, और इसीलिए उन्होंने रो के एपिसोड में जेउसो और द जजमेंट डे के बीच इतना कुछ होने के बाद भी जेउसो को कुछ भी नहीं कहा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जेउसो का पक्ष लिया है रिया रिप्ले ने। तो दोस्तों, आपकी क्या है ओपिनियन इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।